आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हमने प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। राज्य के कार्मिकों के लिए हमारी सरकार ने पहले भी कई बड़े फैसले लिए हैं। आरजीएचएस के अंतर्गत राजकीय उपक्रमों के आरजीएचएस कार्ड धारक कार्मिकों एवं पेंशनों की आउटडोर चिकित्सा सुविधा वेव की सालाना सीमा को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये किया गया है तथा इन उपक्रमों के कार्डधारक पेंशनों की मृत्यु के उपरांत उनके पात्र आश्रितों को आरजीएचएस के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आज की कैबिनेट बैठक में हमने कर्मचारियों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य कर्मचारियों की ग्रेजुएटी एवं डेथ ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिए। इस तरह कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर अब उसे केंद्रीय कार्मिकों की तरह 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा। इन प्रावधानों के लिए राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 55 और 62 संशोधन की जारी अधिसूचना 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी। राजस्थान जिला न्यायालय सिविल लिपिक वर्गीय स्थापना नियम 1986 के नियम 14 एवं 20 के उपनियम 4 में अन्य सेवा नियमों के अनुरूप संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। इन संशोधनों के पश्चात न्यायालयों के उन लिपिक वर्गीय कर्मियों को राहत मिलेगी जो 2 से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति से वंचित हो गए थे। राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम 2017 के नियम 18 के उपनियम 4 एवं नियम 30 में अन्य सेवा नियमों के अनुरूप संशोधन का अनुमोदन किया गया है। इन संशोधनों के पश्चात अधीनस्थ न्यायालयों के चालकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो 1 जून 2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति से वंचित रह गए थे। राजस्थान में सरकार के प्रदेश के रेल परिवहन को मजबूत करने तथा मार्बल ग्रेनाइट और माइनिंग जैसे उद्योगों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर श्रीनाथ मेवाड़ और मारवाड़ से जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन के निर्माण में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए आज कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राजसमंद के उपखंड राजसमंद देवगढ़ नाथद्वारा एवं आमेट की कुल रकबा 42.15 क्षेत्र हेक्टेयर भूमि नाथद्वारा देवगढ़ मदारिया आमान परिवर्तन परियोजना हेतु रेलवे मंत्रालय को आवंटित की गई है। कांग्रेस ने यहां भी राजनीति की और कांग्रेस के नेताओं ने इस कार्य के लिए पिछली सरकार के दौरान जमीन आवंटन नहीं होने दी थी, इसलिए आज ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप आगे की